अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और आज 8 बजे मूवर्स एंड पैकर्स आए हैं और हाल ये था कि हम लोग सोए हुए थे। कोशिश बहुत की थी 7:30 का अलार्म लगा के उठे, लेकिन थके हुए थे, पूरा दिन की भाग दौड़ इधर उधर की हुई थी। और अभी इन्होंने डाइनिंग ड्राॅइंग एरिया है वो सारा क्लियर कर भी लिया है, ओनली 8:30 तकरीबन ना, तो बड़ी जल्दी जल्दी कर रहे हैं। अभी किचन में जो बर्तन है वो सारे पैक कर रहे हैं ये, और बस उसके बाद वो भी डन हो जाना है। फुली पैक्ड ये है सारा। ये हमारा शू रैक है, ये डाइनिंग चेयर्स हैं, ये सोफ़ा है आई थिंक, और ये चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स है। इसको भी एज इट इज़ उन्होंने पैक कर दिया। इसके अंदर जो सामान था उसको बबल रैप से फिक्स कर दिया है, सो विच इज़ वेरी गुड। और उसके अलावा ये एक्स्ट्रा कार्टन्स हैं, ये हमारा आइस बॉक्स है, और ये भी सारे कार्टन्स हैं, कुछ बन गए हैं कुछ बनने हैं, ये सारी बबल रैप है। जल्दी जल्दी हो गई हाँ जी। नो 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 नो, इसके ऊपर नहीं लिखा। ये सारे कार्टन्स पे उन्होंने नाम भी लिख दिए हैं। और ये बड़ा वाला हमारा सोफा है, और ये चेयर, और वो सारे डेकोरेशन पीस, और ये टीवी। You want your pink water? Okay. Okay. ये भी रहता है ऊपर से, आई थिंक हो गया। हाँ, एक बात तो ये है कि इतनी दफ़ा मूविंग करके शिफ्टिंग कर करके इतनी बार मेरी स्पीड ही लगी। वैसे हम ग्लैड कि हमने जो है ना सर्विस अवेल की है, और लिटरली 8:50 हुए और आधे से ज़्यादा घर पैक कर पे ऑलरेडी। सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हाँ खुद कर लेंगे ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। मुझे जाना है फार्मेसी, तो बस मैं जल्दी से वहाँ जा रही हूँ, और बस उसके बाद हम लोग वापस आ जाएंगे। तो एको नहीं हो रही हमारी, एको नहीं हो रही आवाज़, वरना ये हॉल खाली होता है, यहाँ आवाज़ एको होती है। कैसा फील हो रहा है? सैड क्यों, बी हैप्पी। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम नॉट सैड। जो सैड हुई होती हूँ, नया घर भी चाहिए होता है, लेकिन पुराने घर के लिए सैड हुई होती हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम नॉट सैड एट ऑल, आई एम रियली एक्साइटेड। अब हम इधर मदीना स्टोर पे आ गए हैं क्योंकि मुझे चाहिए कॉफ़ी, अदरवाइज मुझे स्टार्ट हो जाना हेडेक। नेस्कैफे की है या इतना ये लूना की होती है ना कॉफ़ी, वो इतनी अच्छी होती है। हाँ लूना की है ही नहीं। आई गो फॉर नहीं नेस्कैफे आई थिंक, ये डबल शॉट एक्सप्रेसो लेते हैं। चलो ले लो वन मोर। हाँ नहीं नहीं आपने नहीं लेनी, आप कोई जूस वगैरह ले लो। है हमारी बिल्डिंग सामने जो नज़र आ रही है, ये ब्लू कलर में मासूम सी बिल्डिंग। हम पे आज शिफ्टिंग डे है और एक दिन पहले की एडिटिंग चल रही है, और मैं नीचे बैठी हुई हूँ, हम लोग अपनी बिल्डिंग के लाउंज में बैठे हुए हैं। क्या कर रहे हैं? Hey baby, waiting. Baby, how are you? I'm going to shoot this one. Oh, you're going to shoot this one? Yes, oh. I will. Okay. What are you saying? I think this big house is awesome. This big house? Yes. No, this is our old house. Whose room is this? Why a bad one? I said, whose room is this? Inna room. No, this is baby's room. You forgot? That is Inna's room, the other one. Oh, confused, okay? No, that's Inna's room. Come, I'll show you Inna's room. This is Inna's room. Aaj to weather dekhe. Uff.
Awesome. आज सही बादल आए हुए हैं यहाँ पर जो है ना, ये अलग बात है, बारिश देखी नहीं है हमने अभी तक, आधी बारिश हुई है हाँ एक साल में जो है। सारा सामान वहाँ से लेके आएंगे और यहाँ डालेंगे इस ट्रक के अंदर। हेलो, आप लोग भी आ रहे हैं इधर? हेलो हेलो, आर यू एंजॉयिंग? अब हमने बस ये रखा, हमने ऊपर भी जाना है और थोड़ा सारा सामान लेके आना है, तो फिर आई थिंक शहजाद फिर रहे इधर उधर। यासिर इज द मैन हियर। Also, he is getting married in February, yeah? Congratulations. Oh yes, may Allah bless you in the new life here. Huh? Haji. ये चेक करें, आपने ऑफिस इधर मूव किया है अपना? फ्रीलांसर काम कर रहे हैं आप जो है, और देखें ये हाल है कि सिर्फ डेली व्लॉग्स देने के लिए नौश जो है यहाँ बैठी लाउंज के अंदर जो है वो एडिटिंग कर रही है ताकि टाइम पे जो है व्लॉग्स अपलोड हो जाएं। थैंक यू नौश, यू रॉक, गो नौश गो। सारी मैंने एडिटिंग कर ली है और उसी ने मैं सारा काम जो है ऊपर हो गया है। मिशू प्लीज़ वन मिनट। और अब तो घर में भी एको हो रहा है क्योंकि सारा खाली हुआ पड़ा ना, तो मैं आपको दिखाती हूँ करंट सिचुएशन क्या है। एक ट्रक जो है वो वहाँ पे चला गया, दूसरा यहाँ से लोड होके खुद ही चल पड़ेगा, तो तब तक वो उसको वहाँ पे असेंबल करेंगे। तो मैं आपको व्यू दिखाती हूँ अभी क्या चल रहा है। ये है जी हमारा लिविंग एरिया, यहाँ पे डाइनिंग टेबल थी और यहाँ पे सोफ़ाज थे और अब ये इस तरह है। और उसके बाद नेक्स्ट जाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट ये खाली, ये सारा खाली और ये सारा कुछ पैक हुआ पड़ा है। सारा घर खाली हो गया और मिशी का एक शू उधर रह गया और ये थे हामी का रूम है और ये हमारा रूम है। अभी 12 बज रहे हैं, माशाल्लाह से सारा काम कर भी लिया है। शायद 4 घंटों में पैकिंग और शिफ्टिंग सारी हो गई है, मतलब यहाँ से ऑलमोस्ट सब मूव कर रहे हैं। उसके बाद सारा जब हो जाएगा उधर हम कर लेते तो फिर आके फिर चेक करेंगे नहीं? हाँ आएंगे सही यहाँ पे सारा जगह, क्योंकि थोड़ा सा गंद भी है यहाँ पे, जाहिर है सामान समेत है तो गंद पड़ गया, तो वो मुझे सारा यहाँ पे क्लीन अप करना है और तब हमने उनको हैंड ओवर करना है। You just said you don't like new house, you like old Shasha house. I just kidding, I like. I like good house. Okay. चले जी आके हम अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Start up new house. अस्सलाम वालेकुम, आप सबको वेलकम करते हैं हम अपने न्यू हाउस में और हम लोग यहाँ पे आ गए हैं और जनाब बादल आए हुए हैं और बहुत बहुत प्यारा मौसम हुआ है, तो यहाँ पे भी सामान जो है वो आ रहा है। उस घर में हम अब जाएंगे एक या दो दिन के बाद। मैंने अभी जो है ना किचन का भी काम करना है। पहले हमारा प्लान ये था कि शहजाद फजर के बाद मुझे छोड़ देंगे और मैं काम कर लूँगी, लेकिन नहीं उठे और अभी मुझे ये भी याद नहीं कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ये बताया या नहीं बताया। तो मेरा इरादा ये था कि जब तक वहाँ से सामान यहाँ आएगा तो मैंने सारा किचन जो है ना अच्छे से क्लीन कर लिया होगा। जनाब स्पीड लगानी और कोशिश मेरी होगी कि आज मैं किचन को क्लीन अप कर दूँ और कल जो है शहजाद गैस
का कनेक्शन करवा देंगे और बस हमारा किचन जो है वो अप एंड रनिंग हो जाएगा। तो आज के दिन हम लोग किचन यूज़ नहीं कर सकेंगे। कल जो है ब्रेकफास्ट तो शायद ना बने, डिपेंड करता है वो बंदा कब आता है। लंच या डिनर इंशाल्लाह ज़रूर बनेगा। तो चले जी, आपको अभी हम जा रहे हैं क्या पानी लेने के लिए, उन सारे वर्कर्स के लिए भी और हम लोगों के लिए भी। तो फिर आते हैं हम थोड़ी देर में। मिशू हैज़ गॉन क्रेज़ी। Now let's come down. Now let's do works. Let's go. Let's have a drink. Just relax. All your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard. Dance your problems away. I'm all about the good vibes. Hi. Is spicy? I'm Mama, Queen of I, Olaf. ये है जी हमारे किचन की सिचुएशन। सामान आना शुरू हो गया और ये है डाइनिंग एरिया। वो टेबल पड़ी हुई जो कि बहुत छोटी सी लग रही है इस जगह के मुकाबले, है ना। तय चलो शुक्र है वहाँ पर इतनी बड़ी लगती थी। और ये है बेडरूम हमारा, ये मास्टर बेडरूम। और एक जो रूम है वो ये है, ये तिहामी का रूम है। बहुत अच्छे से हर चीज़ पैक की हुई है देखें। और एक रूम जो है ये वाला है हमारा एक्स्ट्रा रूम, ये सामान इसमें है। ये चेक करें ज़रा, ये गुड़िया किधर क्या कर रही है, क्या कर रहा है? खुशी खुशी आई थी, मुझे रोना आ रहा है। क्यों? इतना गंदा है ये देखें। इसमें मैं अपने बच्चों के लिए या अपनी फैमिली के लिए चीज़ें रख सकती हूँ, बर्तन और कुछ भी नहीं। वो तो जाहिर सी बात है साफ हो जाएगा। वो साइड में मेडिसिन भी रखी हुई है वो देखे। हाँ मेडिसिन तो रखी हुई है लेकिन इतना गंदा है यार। अब मुझे एक बात बताएं, आपकी तरह थोड़ी हर कोई साफ होता है इतना जो है। मुझे ये बताएं कि हम वो भी छोड़ के आए हैं, वो तो आप खुद होते हो तो इसी तरह रखते हो ना, वरना कौन। ज़्यादातर तो फैमिली नहीं बॉदर करती है ना कि बस ठीक है, इट्स फाइन फॉर लिविंग, बस ठीक है। चले एक छोटी सी जान। और ये देखें कितने सारे काम, ये कार्टन चेक करें सब। अभी गुड़िया ने इन सबको अनलीश होना है इसके ऊपर जो है। इसको साफ कर दूं या अनलीश हो जाए। बाकी मैं उधर जाके एडिटिंग कर रहा है, मिशी इज प्लेइंग। यहाँ जो है वो टीवी शेल्फ लग रही है। ओके ये कबर्ड, गुड। इधर कोई भी नहीं आया। ड्रेसिंग टेबल के साइड पे रखवाना है। ड्रेसिंग टेबल विंडो ऐसे है ना उसके साथ इधर बेड वाली साइड पे। अच्छा उधर ही, यानी कि आपने बताया हुआ है उनको जो है। मैंने नहीं उन्हें बताया, उन्हें गेस किया। देख रहे हैं आप जो है कि ये सारे काम कर रहे हैं, हर कोई अपना काम। मैं वेलिया मार रहा हूँ इधर उधर, सबकी वीडियोज बना रहा हूँ मैं, चस्के ले रहा हूँ सबसे जो है ना। बिल्कुल बिल्कुल नहीं नहीं यार, शुगर लगा रहा हूँ आपको ही पता है इस चीज़ का। इट्स ओके इट्स ओके। अच्छा 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 चलो ठीक है ओके। ये बताएं कि चाय लेंगे आप? ला दूँ मैं फिर? मैंने पूछा था नमाज हो गई है। मैंने कहा है अजान हो चुकी है। इट्स ऑलरेडी ऑलमोस्ट 4 हो गए हैं। अच्छा हाँ जी चलो बस नमाज।
ओके ओके बेशक थोड़ी सी स्पेस दे दें उसमें जो है बढ़िया अंडे हिले भी नहीं अपनी जगह से जो है सिर्फ पानी की बॉटल्स जो है वो थोड़ी सी वैसे हुई है बाकी हाँ ये देखें ये दूध वाला जो है ना ये एज इट इज़ पड़ा हुआ है इधर जो है गुड यार मेडिसिन आर ऑल्सो इंटैक्ट गुड 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 फाइनली यहाँ पे हमारा टीवी लग रहा है उधर घर सेट हो गया इधर गुड़िया जो है अपने ड्रॉर्स का वो कर रही है काम ये है एक्चुअली असल जो राज है ये हाँ जी पूरी हालत हो गई है ये देखें वो टूटा हुआ स्माइल जो है सर को मारी हुई फिर भी क्या हुआ बेटा व्हाट हैपेंड क्या हुआ यू वांट टू प्ले विद इल्ला इल्ला डजंट वांट टू प्ले बेटा ही इज आल्सो टायर्ड यू वांट टू हेल्प मी यू वांट टू हेल्प मी Okay, you're sure? Yeah, I'm sure. So what are you right now? Are you Mr. Hawk or you're Olaf? Olaf. Okay, Mr. Olaf. All right, thank you. Queen Elsa, how are you? Toba. लेकिन 2060 मैंने 16 कर लिया है उसके बाद आपके हाथ जो होंगे ना ठाकुरों वाला हाथ हुआ होगा ओह गुड खाली नीचे तो पाइप खाली खाली ओह मबरूका फाइनली रियाद की तरह आपको मिल गया ये एक भंगड़ा हो जाए फिर इसी बात पे चलें टूटे हाथों वाला भंगड़ा हो जाए सबसे मैं शुक्र कर रही हूं मैं ना बहुत शुक्र कर रही हूं कि ये डिशवॉशर लग गया अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आपका रूम बहुत प्यारा लग रहा है बेटा ये अभी अभी टेम्पररी तौर पे बेटा लगाए हैं ये वो उसको सही कर देंगे डोंट वरी ओके तो जो वर्कर्स थे वो तो चले गए हैं कैबिनेट्स जो है ना वो मैंने सारी बहुत थॉरली क्लीन कर दी और अब मुझे तसल्ली है मैं उसमें बर्तन रख सकती हूँ जब तक एक भी ग्रीस का डॉट था ना मेरी तसल्ली नहीं हो रही थी मूवर्स एंड पैकर्स थे उन्होंने बर्तन खोल के सेट भी करके देने हैं और साथ में जो है ना जितनी भी हैंगिंग्स वगैरह हैं वॉल पे वो भी लगानी है तो उनसे हमारी बात हो गई तो उन्होंने कहा था आप ये काम 2-3 दिन बाद भी करवा सकते तो प्लान मेरा तो यही बन रहा है कि मैं खुद ही सारा किचन करूँ सब चीज़ें सेट करूँ क्योंकि नई जगह है तो आपको सोच के रखना पड़ता है अच्छा इधर मैं ये रखूँ मैंने सऊदीया में भी और यहाँ पे भी ब्रांड न्यू ही बिल्डिंग में हमेशा मैं शिफ्ट हुई हूँ क्योंकि मुझसे गंदे घर इस तरह से साफ नहीं होते लेकिन ये घर इतना अच्छा था और बिल्डिंग भी 13 ईयर्स पुरानी है तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि घर ब्रांड न्यू होगा अपार्टमेंट इसमें मुझे ब्रांड न्यू मिल जाएगा हो ही नहीं सकता तो इस वजह से मुझे ये लेना ही लेना था लेकिन यह कि मुझे शहजाद ने बहुत बार कहा कि चलो मेड को हायर कर दूँ मैं हेल्प करा दूँ ये वो लेकिन मैंने नहीं किया बस खुद कर लिया सारा और ये शोल्डर जो है ना बस ये तो रह गया अब खैर अभी हम लोग खाना वगैरह खाएंगे और आपको घर की कंडीशन अब मैं कल दिखाऊंगी तो इंशाल्लाह आपसे बोल जल्द जल्द मुलाकात होगी दुआ में याद रखें अपना ख्याल रखें टेक केयर अल्लाह हाफिज़